दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें ना एक कमेंट आया कि भैया यार मतलब महंगे वाले टॉयज भी अपलोड किया करो। तो यार मैं जो हूँ ना मतलब कुछ भी खरीद लेता हूँ, वैसे देखता नहीं कि सस्ता है कि महंगा है। और उस चैनल का शायद नाम था ओमी एन तेजस व्लॉग। तो आज जो है भैया उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि आज मेरे पास यहाँ पे है, एक मिनट, ओह तो काफ़ी बड़ी भाई ये स्कूटर है और होप कि यार थोड़ी महंगी भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि पहली बार मैं इस तरह के कोई आइटम यहाँ पे अनबॉक्स कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने इतना बड़ा स्कूटर कभी अनबॉक्स नहीं किया, पहली बार लेके आया हूँ। तो होप कि आपको मज़ा आएगा इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ देख के, और हम भी देखेंगे कि भाई मतलब वाकई में इसे खरीदना जो है वर्थ है कि नहीं है। तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं इस अमेजिंग सी वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है बॉक्स काफी बड़ा है इसका, थोड़ी सी डिटेल्स आपको बताऊंगा भाई यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। रियर सस्पेंशन भी है, म्यूजिक यूएसबी MP3 प्लेयर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा मतलब गाने बजेंगे क्या भाई इसमें। फ्रंट व्हील विद स्कूटर, ओके फ्रंट व्हील भी है और ये हैंडल इजी टू कैरी, ओके समझ आता है। पीछे यहाँ पे लिखा है वेट इसका 8.5 kg, 12 volt की बैटरी के ऊपर ये चलता है, मतलब भैया बैटरी का फंक्शन तो है। और एज है भैया 2+ ईयर के ऊपर के बच्चे वैसे चला सकते हैं भाई। बाकी मैं देखूंगा इसे एक्चुअली चलाने के बाद, ऐसे बोल नहीं सकता हूँ। तो बिना किसी देरी के जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। ओह भारी तो है दोस्तों, सबसे पहले निकल के आता है ये साइलेंसर है दोस्तों, पुपू नहीं है। और ये क्या चीज़ है भाई, ये है इसका टायर, काफ़ी हैवी टायर है यार, मतलब भारी सा लग रहा है। क्वालिटी वाइज भी बिल्कुल बढ़िया लग रही है मुझे पकड़ने के बाद में। ये है दूसरा टायर और ये भी काफ़ी, और एक और टायर दिख रहा है यार, मतलब कितने टायर है इसमें, मतलब 3-3, 4-4 टायर है क्या, 3 टायर है भाई इसमें, मतलब गिरने का कोई झंझट नहीं है। 3 टायर है, 2 शायद पीछे होंगे एक आगे होगा, तो बैलेंस जो है वो बना रहेगा यहाँ पे। और ये क्या चीज़ है, ओके भाई ये है कुछ लाइट का आगे का जो आपको दिख रहा है वो एसेसरी। और यहाँ पे ओके ये हमारा हैंडल, इसमें कुछ तारे वारे भी दिख रही है दोस्तों। और ओ भाई अब फाइनली इसको निकाल ही देते हैं यार, ये हमारी है मेन। ओह दोस्तों इसमें कुछ बचा है क्या, एक बार देख लेता हूँ। ओके इसमें 2 ये शीशे बचे हुए दोस्तों, और इसमें क्या है, बड़े ही काम की चीज़, इंस्ट्रक्शन मैनुअल दोस्तों। इसे पढ़ने के बाद ही कनेक्शन वनेक्शन कैसे करना है, जोड़ना कैसे, वैसे ज़्यादा कुछ जोड़ने के लिए है नहीं। ओह फिलहाल भारी काफ़ी है और मुझे यहाँ से काफ़ी अच्छी लग रही है बिल्ड क्वालिटी वगैरह, और मतलब जो भी इसकी क्वालिटी, मज़ा आ रहा है इसे देख के। अब ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, जल्दी से मैं इसे करता हूँ असेंबल और उसके बाद जो है ना आउटडोर एक राइड लेके देखते हैं, मतलब देखते हैं कैसे चलती है ये। तो चलिए इसे जोड़ के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों बाइक जो है वो चार्ज हो चुकी है और ग्राउंड पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है असेंबल होने के बाद। और दोस्तों फर्स्ट लुक कैसा लग रहा है दोस्तों बताइए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, भाई तुम्हारे लिए इतनी बेहतरीन आइटम लेके आया है। और कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब मैं इसे भाई चार्ज करने लगा ना तो पहले मुझे चार्जर मिला नहीं और मैंने मतलब परेशान सा ही हो गया, मैंने कहा यार डब्बा पूरा खाली कर लिया भाई, चार्जर कहाँ है, चार्जर कहाँ है। और अंत में जाके ना अचानक से भाई इस ये खुलता है और इसके अंदर रखा हुआ था भाई चार्जर, तो मेरी समस्या तब दूर हुई। उसके बाद मैंने लगाया भाई इस पॉइंट पे चार्जर और चार्ज करने रख दिया। 4 घंटे हो गए, 6 हो गए, 10 हो गए, भाई चार्ज नहीं हुई। मैं परेशान, मैंने कहा हुआ क्या भाई, ये चार्ज क्यों नहीं हो रही है। फिर मैंने खोला भाई यहाँ से एक स्क्रू और इस ढक्कन को निकाला, तो पता चला अंदर एक जो लीड है बैटरी की वो निकली हुई थी, जो कि आमतौर पर वो निकाल के रखते हैं ताकि बैटरी आपकी ख़राब ना हो। तो दोस्तों करीब करीब 1 घंटा चार्ज होने के बाद ये थोड़ी सी चार्ज हो गई और फिर मेरी जान में जाना है कि भाई बैटरी वैटरी सब सही है। तो मैंने इसे फिर 8 घंटे के लिए चार्ज पर लगा दिया और सुबह उठ के ये काम करने लग गई है। तो आपको दोस्तों सिंपल सा फंक्शन बता दूं दोस्तों, ये भाई स्टॉप हो गया, ये बैक हो गया, फॉरवर्ड हो गया, बट ऐसे नहीं चलेगी, जैसे अभी फॉरवर्ड है फिर आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा ऐसे, ये एक्सीलरेटर है दोस्तों। आप बोलोगे चल क्यों नहीं रही, भाई ऑन तो कर लो पहले, ये ऑन करेंगे ना भाई तो उसके बाद में ये देखिए आप ये आगे की तरफ जा रही है। और अगर मैं इसे बैक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ तो ये पीछे की तरफ जा रही है। लाइट वाइट दोस्तों सब जलती है इसमें, यहाँ पे कुछ फंक्शन भी है जो ऑटोमेटिक, यहाँ पे कुछ थीम्स वीम्स इन्होंने डाली हुई है। मेमोरी कार्ड का भी दोस्तों स्लॉट है, तो काफ़ी अच्छी बात है भाई, मेमोरी कार्ड वगैरह डाल के आप गाने भी बजा सकते हो और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ज़्यादा लोड मत डालना, जो चेसिस वेसिस इसकी भी ऐसे ही है, मतलब
20 केजी तक मैं कहता हूँ कि लास्ट है मेरी तरफ से, 20 के बाद भाई कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए अब इसकी लेते हैं एक राइड और मजा लेते हैं भाई इस अमेजिंग बाइक का। भाई सबसे पहले स्टार्ट कर दो बटन को। वेरी गुड, फॉरवर्ड दबाओ कि बैकवर्ड? ओके स्टार्ट हो गई है। चलो 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 आगे की तरफ आ जाओ। ओह माय गॉड, अरे तुम तो पीछे जा रहे हो। मोड़ो गाइक को, मोड़ो ऐसे हैंडल करके मोड़ो। हाँ वेरी नाइस, अरे तुम तो चला सकते हो उसे।